बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बड़े बैल मैंने दिखा दिए थे पिछली वीडियोस में, अब इस तरह करते हैं कि बकरा सेक्शन पे आते हैं और बकरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो हवा तेज़ चल रही है, हो सकता है आपको थोड़ा सा शोर आ रहा हो, लेकिन आप लोगों ने बर्दाश्त करना है। कोशिश करेंगे कम से कम नॉइस हो। बकरा सेक्शन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अंडल, खस्सी और इसके बाद बड़े छोटे, सस्ते महंगे सब बकरे आपको दिखाएं, ठीक है। क्योंकि मस्ती वाले बकरे भी बहुत सारे लोग मांगते हैं और फिर कुछ लोग ज़रा नॉर्मल ना आजस से, हमारी तरह आजस से लोग भी जो है ना वो बकरे मांगते हैं। तो चलते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स देते हैं, इंशाल्लाह मिक्स ही दिखाएँगे आपको, बड़े छोटे और अच्छे से अच्छा बकरा भी दिखाएंगे जो महंगे से महंगा होगा और सस्ते से सस्ता भी दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप लोगों ने वीडियो पे रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और वीडियो आखिर तक देखिएगा, ठीक हो गया। चले यहाँ चलते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट ही हम ये पहले बकरे से करते हैं और माशाल्लाह अच्छी हाइट का बड़ा बकरा है, मुँह से चौका है और अंडल बकरा है। पैसे कितने मांगने भी जी? 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपया इसका डिमांड कर रहे हैं। बकरा फुल मस्ती वाला है, ठीक है, अंडल बकरा है और बड़ा बकरा है माशाल्लाह, खूबसूरत फुल वाइट है। बकरे के तेवर जो है ना मुझे अजीब से लग रहे हैं, लेकिन यह कि माशाल्लाह बकरा बड़ा अच्छा बकरा है। 1,50,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं, बाकी मौके की बात है, कमी बेशियाँ होंगी इंशाल्लाह इसमें। अच्छा जी, बैकग्राउंड में जो बकरे आपको नज़र आ रहे थे स्टॉल्स, उन्हीं पर ही चलते हैं। मक्खी चीने भी हैं साथ में, राजनपुरी हैं सामने, ठीक है, और इनके पास माशाल्लाह बड़े बड़े बकरे हैं, छोटे बड़े मिक्स हैं, स्टॉल्स लगे हैं, तो इन्हीं से ही पता करते हैं। साफ़ सफाइयाँ तैयारियाँ हो रही हैं फ़िलहाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, अभी सुबह सुबह का क्योंकि टाइम है तो ये साफ़ सफाई तैयारी वगैरह कर रहे हैं स्टॉल की। तो बकरे माशाल्लाह इनके पास अच्छे हैं, बड़े बकरे भी हैं, छोटे भी हैं। मक्खी चीने नज़र आ रहे हैं मुझे, पता करते हैं कोई इस काले का क्या कह रहे हैं जी पैसे। 2,00,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। मुंह से क्या है जी? तोंदा है, चौगा चौगा हुआ हुआ है। 2,00,000 रुपया ऐसी डिमांड कर रहे हैं। और ये जो आपके साथ ये मक्खी चीना खड़ा है, ये जो खड़ा है मुंह से तोंदा है, ये 1,00,000 रुपया इसका कह रहे हैं। तो आपके स्टॉल का सबसे महंगा बकरा कौन सा है? सबसे महंगा बकरा इस स्टॉल का कौन सा है, ज़्यादा कीमत वाला? ये वाले तीन बकरे हैं। अच्छा माशाल्लाह, दूर से ही मैं देख रहा था कि ये बड़े बड़े बकरे नज़र आ रहे थे। मक्खी चीने और ये कौन सा है? ये आपने नस्ल में ये बीतल नस्ल, ये बीतल है, ठीक है। वो इनके पैसे कितने हैं? कौन के ये तीनों के आप कह रहे हैं ना सबसे महंगे वाले ये हैं, तो पैसे कितने? मक्खी चीने के कितने? तीनों के 6,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये का बकरा जी, ठीक है। तीनों के जी 6,00,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं और ये अच्छे वजनी और बड़े बकरे हैं। हैं खसी है ना? खसी। अच्छा, खसी बकरे हैं, अंडल नहीं है, खूबसूरत बकरे हैं माशाल्लाह, अच्छे वजन के बड़े बकरे हैं। और आप ये बताएँ कि आपके पास सबसे सस्ता कम कीमत वाला बकरा कौन सा है? काका जी खोलो, इसमें पता लगे कितना बड़ा बकरा है। छोड़ छोड़ एक मिनट। अच्छा ये बताएं जी, सबसे कम कीमत वाला कौन सा बकरा है आपके पास? वो जो सुरख वाला जी, सुरख वाला। पैसे कितने हैं उसके? 50,000। मुँह से दोंदा है वो जी, ठीक है। इनमें कोई नहीं है ये मक्खी चीने में नहीं, कम कीमत वाला? ये सारे बड़े बड़े बकरे हैं। वो सामने सुरख जो बैठा जी, 50,000 उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो मिक्स हैं इनके पास सारे, बीतल भी हैं बीच में। ये सामने इस बकरे के कितने पैसे हैं जी? इस वाले 1,50,000 रुपया, ठीक है माशाल्लाह। बाज़ के वज़न की वजह से पैसे होते हैं, बाज़ के खूबसूरती की वजह से होते हैं, ऐसा ही है नहीं? सही है। आप आएँ ज़रा, अपने इस बकरे के पास खड़े हो ना, हमें नज़र आए अच्छा खासा ऊंचा बकरा है माशाल्लाह। देखें जी, बड़ा बकरा है माशाल्लाह, ये देखें 2,00,000 रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं। कमी बेशी तो होगी ना? सही है। अच्छा, इस स्टॉल से इस तरह करते हैं, इस स्टॉल पे चलते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे थे ना, मैंने वही आपको दिखाने थे। और इनके पास ये खड़े हैं जी राजनपुरी, ऐसा ही है जी, राजनपुरी हैं ये। अच्छा माशाल्लाह, खूबसूरत बकरे खड़े हैं इनके पास राजनपुरी, बीच में बीतल भी हैं, ठीक है। ये देखें, काफ़ी बड़ा बकरा है,
देखिए माशाल्लाह सारे बकरे इन्होंने खड़े कर दिए हैं। ये मुंह से क्या है जी, छिगा ये? अच्छा माशाल्लाह है, छिगा है, लेकिन ये हाइट में ना और वज़न में अच्छा खासा बड़ा बकरा है। मैं आपको ना इसको करीब से खड़े होकर बल्कि दिखाता हूँ आपको, इसकी ना हाइट का अंदाज़ा हो जाए। अच्छा बकरा देखें माशाल्लाह, हाइट देखें और माशाल्लाह मजबूत और भारी बकरा है। पैसे कितने कह रहे हैं जी? 2 लाख 2 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मुँह से छिगा है, ठीक है माशाल्लाह, बड़ा भारी और वजनी सही मजबूत बकरा नज़र आ रहा है। देखें माशाल्लाह, और हाइट देखें, खूबसूरती भी है। तो 2 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये बताएं जी सबसे सस्ता कौन सा खड़ा है इस वक्त आपके पास? अच्छा पीछे खड़े हैं, आए जी सस्ते वाले भी आपको दिखाते हैं, फिर आएंगे इस तरफ। अच्छा जी छोटे बकरों की तरफ जाएंगे, लेकिन ये एक और बड़ा बकरा, इसको खड़ा करें जी अपने साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाइट देखें बकरे की और लंबाई देखें जी, इस तरह इस तरह से बकरा दे। इसके कितने पैसे जी? और मुंह से कितना है? छिगा है, 2,20,000 रुपया इसकी डिमांड कर रहे हैं। खूबसूरत बकरा है, लंबाई में भी अच्छा है, राजनपुरी नस्ल का है, खूबसूरत माशाल्लाह वजनी बकरा है। ये देखिए चले आए, चलते हैं आपको छोटे बकरे दिखाते हैं। दिखाएं जी हमें ज़रा, कम कीमत वाले भी दिखाएं। ये लें जी छोटे बकरे देखें, ये जिसको खड़ा किया है इसके कितने पैसे जी? 55,000 रुपये है। खसी है आंडल है? ये आंडल है, ये खसी में दिखाएं छोटा कौन सा ले जी। खसी में भी आपको ना छोटे बकरे दिखा देते हैं, ये सामने छोटा नज़र आ रहा है। इसके पैसे कितने जी? 70,000 रुपये। और जो ये पीछे खड़ा है मक्की चीने में, 65,000 रुपये। और डिमांड में 5-10 ऊपर हो सकता है कि 5 या ज़्यादा बता रहे हैं या 5 कम बता रहे हैं। बस वो मैं आपको बात देता हूँ, सिर्फ आपको नहीं कहते, हमें भी कहते हैं कि यार आप ना जो दिखाएं महंगे, लेकिन महंगे की अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर दें वो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो बार बार बोलता रहता हूँ कि जी महंगी चीज़ क्यों हो रही है आजकल, क्या कहते हैं आप, महंगी क्यों हो रही है चीज़? हर चीज़ हुकूमत की वजह से जी, हुकूमत की वजह से महंगाई। दो आप आए हैं, गाड़ी पिछले साल भी आए थे जी सर? पिछले साल गाड़ी कितने में बुक की थी? 17,000 में। किस इलाके से? तलागंग से। तलागंग से। और इस साल कितने में गाड़ी बुक की है? 28,000 में। सेम गाड़ी जी? ठीक है, 28,000 रुपये में इस मरतबा और 17,000 रुपये में पिछले साल, डबल हो गया ना सीन? डबल। ठीक है, पिछले साल 1200, इस दफ़ा 1500 रुपये। पिछले साल 1200, इस साल 1500। इसी तरह चारा, 12 शाइन है, संभालो, चारा भी डबल हो गया होगा जी। ठीक है, खालो 2900 दी 26 किलो, ठीक हो गया। तो दोस्तों भाइयों जिस तरह की आप सुन रहे हैं, 7,000 रुपया, 6-7,000 रुपये गन्ने छोले। ठीक है, मतलब ये है कि महंगाई होगी है ना, चीज़ें डबल हुई हैं तो इसलिए जानवर भी डबल हो गया। पालें तो 50,000 ठीक है। तो दोस्तों भाई जैसा कि आप सुन रहे हैं, किराए डबल हो गए हैं, इनका जो राशन पानी, जिस तरह आप लोगों का राशन पानी ना घी 700 रुपये तक पहुंच गया, तो इनका भी राशन पानी महंगा हो गया है। ठीक है, जो भी चारा वगैरह खिलाते हैं इसलिए महंगाई हुई है। तो जो बकरा पिछले साल 1-1.25 लाख रुपये का था, वो इस साल 2 लाख रुपये का है। 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख, 1.25 लाख, मतलब इतने तक चला गया है। महंगाई इस वजह से हुई है। बहरहाल उम्मीद है कि जानवर आपको पसंद आए होंगे। मैंने आपको ना स्टॉल की कोशिश की है कि आपको ना, ये गली नंबर कौन सी लग रही है जी? 2। ठीक है, गली नंबर 2 बिल्कुल सीधी आ रही है, बाकी सर्विस रोड से ना अंदर इनके ये मेन स्टॉल लगे हुए। आप आएँ ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। सस्ते और महंगे दोनों मैंने दिखा दिए हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो वीडियो को इस तरह करते हैं कि यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।